केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के प्रति प्यार, विश्वास और समर्थन दिखाया है। यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई गोलीबारी नहीं हुई और कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा कि इस दौरान 16 देशों के राजदूत यहाँ चुनाव देखने आए। उन्होंने देखा कि कैसे यहाँ कानून व्यवस्था कायम है और लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास जताया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को नकार कर बैलेट का रास्ता चुना। दो चरणों के मतदान में यह स्पष्ट हो गया है कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति, स्थिरता और विकास चाहते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव होना बाकी है, जिसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि चुनाव के दो फेज पूरे हो चुके हैं और दो फेज पूरे जो हुए हैं वो इस बात का प्रतिबिंब भी है, रिफ्लेक्शन भी है और ये स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ अपना प्यार, विश्वास और उनकी नीतियों को एक समर्थन दिया है। यह स्पष्ट इन चुनावों से हम सबको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से, पीसफुल तरीके से हुआ है। इस चुनाव में पिछली चुनाव के भांति कोई वायलेंस नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई फायरिंग नहीं हुई और कोई टेरर अटैक्स नहीं हुए। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी कि 16 देशों के हेड्स ऑफ मिशन एम्बेसडर्स वो यहां चुनाव को देखने आए थे और उन्होंने देखा है कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और लोगों ने प्रजातंत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया है। और मैं ये कह सकता हूं कि इट इज ए हिस्टोरिकल ओकेजन, ये एक ऐतिहासिक घड़ी है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट को रिजेक्ट करके बैलेट का रास्ता चुना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। दे हैव चोजन बैलेट एंड दे हैव गिवन ए बिफिटिंग रिप्लाई टू बुलेट, यह हमको स्पष्ट दिखता है। यह चुनाव पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का है। दो चुनाव के क्रम ने, फेजेस ने इस बात को तय कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, स्थिरता चाहती है और विकास चाहती है और उस दृष्टि से इस बात को हमको देखने को मिलता है। युवाओं ने वेपन्स को छोड़कर शांतिपूर्ण को के रास्ते को अपनाया है और श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के लोगों ने विकास के रास्ते का साथ दिया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मुझे आपके साथ ये शेयर करते हुए खुशी होती है कि आज जम्मू रीजन, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, मैं सारे देश में घूमता हूं, ये जम्मू रीजन एजुकेशन की दृष्टि से पिछले 5 साल में, और यो कहा जाए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उसके बाद ये देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की स्थान बन गया है।